लिए और आगे बढ़ती जा रहे हैं। कुछ आगे पहुंची तो क्या हुआ। जब आगे बढ़े तो खटखट जैसी आवाज आने लगी। वह खटखट की आवाज को सुनकर महाराज परीक्षित जी ने अपने घोड़े को रोक लिया और उन्होंने जब सामने देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, कोई नजर नहीं आया। फिर से घोड़े को दौड़ाने लगे। थोड़ी ही दूर आगे पहुंचे तो फिर से भक्त खटखट जैसी आवाज आने लगी। वह खटखट की आवाज को सुनकर महाराज परीक्षित जी ने फिर से अपने घोड़े को रोक दिया और उन्होंने सामने फिर देखा तो उनको फिर भी कोई दिखाई नहीं दिया। अब परीक्षित जी ने सोचा, दिखाई कोई दे नहीं रहा है और खटखट की आवाज आ रही है। प्यारे भक्तों, महाराज परीक्षित जी घोड़े को लेकर के फिर से चलने लगे। थोड़ी ही दूर पहुंच पाए, फिर से भक्त खटखट की आवाज आने लगी। महाराज परीक्षित जी ने अपने घोड़े को रोक लिया और सोचने लगे, खटखट की आवाज आ रही है, दिखाई कोई दे नहीं रहा है, फिर ये खटखट की आवाज कहां से आ रही है। प्यारे भक्तों, तब परीक्षित जी ने पीछे मुड़ करके देखा, आगे को नहीं देखा, पीछे मुड़ करके जब देखा तो महाराज परीक्षित जी अब आगे जाना भूल गए।